ये बाय रोड आई है इंग्लैंड से, इसलिए वीगो है, इसको हम रिवो में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अरहम ऑटो से, हाजी अजहर, और आज आपके लिए एक वर्कशॉप का टूर आपको करवाना चाहूँगा मैं। आज हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मेरे दिन में ख्याल आया कि आपको वर्कशॉप का टूर करवाना चाहिए, और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी आई है और कौन कौन सी गाड़ी का हम काम कर रहे हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं हमारी टीम कैसे काम कर रही है और किस किस गाड़ियों का काम कर रही है। आए आपको सबसे पहले इस बेचारी गाड़ी का रिव्यू देते हैं। ये आपने सोशल मीडिया पर पहले भी गाड़ी देखी होगी, ये जमान पार्क में इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, बड़ा जुल्म हुआ, इसके शीशे वगैरह तोड़े गए थे। तो ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं चौधरी दुल्ला ताहिर साहब, उनकी गाड़ी है। तो आपने पहले भी इस गाड़ी को सोशल मीडिया पर देखा होगा, इसके सारे फ्रंट बैक स्क्रीन हर चीज़ पुलिस वालों ने तोड़ दी थी। तो ये हमारे पास बेहतरीन गाड़ी आई है, आपको दिखाते हैं। इसका तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, स्क्रीन वगैरह सारी चेंज हो चुकी है, इसके बम्पर वगैरह हमने पेंट किए हैं और प्रोसीजर पे काम किया, इसका प्रोसेस में काम कर रहा है, उस काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो चुका है इसका। ये देख आप देख सकते हैं कि इसका ये साइड है, इसके ओवर फेंडर और बम्पर वगैरह हमने इसके पेंट किए, बाकी जो उसके ऊपर पुलिस वालों ने डंडे शंडे मारे थे उसके वो हमने ड्राई हैंड निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने सारा इसकी ड्राई लैंडिंग का काम किया है। और इसी तरह ही आपको दिखाते हैं, ये एम जी आई हमारे पास, इसकी भी साइड वगैरह लगी हुई थी, इसको मैंने लैंडिंग बैंडिंग इसकी जॉब की है। और ये हमारी बच्चे लगे हुए आप देख सकते हैं, हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत के साथ नानू हमारे में काम कर रही है, और हमारा जो कस्टमर के साथ हमारा टाइम डिसाइड होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंशाल्लाह उस टाइम से पहले गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रात के 2 बजने वाले हैं, सैरी का टाइम करीब है, तो सारी गाड़ी मैंने ये डिलीवर करनी है जमान पार्क में। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप LX570, ये वही LX570 है जो हमने आपको इसका रिव्यू दिया था दो साल बाद का, ये वही है, ये बिकने के लिए आई है, किसी भाई को चाहिए हो तो वो परचेज़ कर सकता है। ये 2002 मॉडल है और सिग्नस है, ठीक है, और इसको हमने कंप्लीट अच्छी LX570 में कन्वर्ट किया हुआ है। अंदर से आपको पहले भी हमारी हमने वीडियो देखी होगी, अंदर से हमने इसको स्टेयरिंग लगाया और टेस्ला लगाया, बाकी बट टोटल इसको हमने अलॉय रिंग और कंप्लीट इसको कन्वर्ट किया था LX570। उधर हम कौन कौन सी गाड़ियों काम कर रहे हैं, सबसे मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये मेरे आप लक्ष्य से देख सकते हैं 2011 मॉडल प्रोडो है, जिसको हमने इसकी कस्टमर की डिमांड ये थी कि आपका जो दिल चाहे ये आप इसको हमें मॉडिफिकेशन करके देखें इसकी अपनी शक्ल में। और आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है, ये बाय रोड आई है इंग्लैंड से, इसका नंबर भी जो उन्होंने अपने बेटे के नाम से वहाँ पर परचेज किया हुआ है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। आए आपको बाकी गाड़ी को रेंजर के बारे में, ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये गाड़ी की बड़ी आपको ये फील होना होगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट गाड़ी नहीं है, ये बेसिकली वीगो है, इसको हम वीवो में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कस्टमर की ये डिमांड थी कि मैंने इसको जेन्युइन पार्ट में ही कन्वर्ट करवाना था, ठीक है, और हम इसको इसके जितने भी पार्ट्स बोनट हो गया, लाइट्स इसकी बल्क है, नोज कट वगैरह, ये सारी हम इसको जेन्युइन पार्ट हमने ब्लागो से परचेज की है। देख सकते हैं अंदर से भी मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे, इसकी जो नोज कट है ये देख सकते हैं, ये काबली है, ठीक है। ज़्यादातर जो मार्केट में वीगो टूरोको का सामान अवेलेबल है वो चाइना का, मेड इन चाइना का, वो बोल्टन फिटिंग में है। और इसमें सबसे बड़ी जो इसमें चैलेंज होता है ना, वो ये होता है कि इसको हमने हैंडमेड तैयार करना होता है, क्योंकि वीगो में और वीगो में फ़र्क होता है। आए मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इसकी हमने फेंडरों की कटिंग करके इसकी फिटिंग बनाई है, आप देख सकते हैं इसकी हमने हैंडमेड फिटिंग बनाई है। ये रिवो का सामान ओरिजिनल जो कंपनी लगा के बेचती है, जो कह लेंगे बिलाल के इनसे सामान मिलता है, ये वो वाला सामान है। और इसी तरह ही हम इसको बैग से भी तैयार कर रहे हैं, आया आपको दिखाते हैं। और मेरे आप लक्ष्य पर देख सकते हैं, ये हम ऐसी थीन तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इसकी डेंडिंग की जॉब तकरीबन कम्प्लीट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है,
और जैसे ही हम इसकी पेंट जॉब शुरू होगी तो हम आपको इसका भी रिव्यू देंगे। ये बैक से भी कंप्लीट हो चुकी है और आप सबसे अहम चीज़ है, ज़्यादातर लोग जो उनसे ना ये वाली जो लाइट की फिटिंग है ना वो खाली छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे के कंपनी फिटेड लाइट की फिटिंग होती है उसी तरह हमने बनाई है। और सबसे अहम चीज़ बम्पर को हम स्पेसर लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये बम्परों को स्पेसर लगे हुए हैं और जब मर्जी जब आपका दिल करे तो खोल सकते हैं, ये देखिए ठीक है। ज़्यादातर जो बम्पर इसकी फिटिंग बनाई जाती है वो उसको बाहर से फिक्स कर दिया जाता है। एनीवे जिसको जितनी समझ को उतने काम करना है। इसके वीवो की बैक साइड पर, वीवो की बैक साइड पर आप आते हैं, इस पर हमने बैक साइड पर इसकी लाइटें फिट कर दी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी ये आप इसकी फिटिंग की हमारे क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ये पुटीनों के बगैर देख सकते हैं कि फिटिंग में कितना अच्छा गैप है। जैसे कंपनी फिटेड लाइट होती है उसी तरह सेम हमने फिटिंग की है, उस पर ना हम ज़्यादा पुटीन लगाते हैं, हमारी कोशिश होती है कस्टमर को अच्छे से अच्छा काम करके दिया जाए। तो इसी तरह ही हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आपकी खिदमत के लिए अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे। हमारे पास सरोला इंडस आई है, ये हमारे बड़े प्यारे कस्टमर हैं और इनके पास अलहमदिल्ला हर किस्म की गाड़ी है, ये उनके दादाबू की गाड़ी थी तो वो कह रहे कि हमने बेचनी नहीं है, हमें ये इसको रिस्टोर करवाना है। आप देख सकते हैं इसके सारे पार्ट हमने नए डाले हैं, ये दरवाजे, बोनट, फेंडर, इसकी अगली जो इसकी अगली नोज कट है वो भी हमने नहीं डाली है, ये आप देख सकते हैं ठीक है। इसका भी जो जब इसका फुल इसका पेंट जो कम्प्लीट होगी इसका भी हम रिव्यू देंगे आपको। और मेरा मकसद आपको दिखाने का ये था कि रमज़ान मुबारक में देख आप टाइम देख सकते हैं, 1:45 हो चुके हैं, शहरी का टाइम भी करीब आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम बड़े हिम्मत से जज्बे से मेहनत कर रही है और इसी तरह हम कस्टमर की खिदमत के लिए जो कस्टमर से हमने ज़ुबान की है उसको पूरा करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो रिव्यू कंप्लीट होगा, इसकी पेंट जब शुरू होगी इसका फिर आपको रिव्यू दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जेन्युइन सामान के साथ फिटिंग बनी थी ना हमारा मोटर्स पे बनी थी और इसी तरह हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टूर के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जिन हमारे व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए टेक्नोलॉजी के साथ। अल्लाह।